सो हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी बढ़िया है। तो आई एम सो सॉरी डेली ब्लॉग नहीं आ रहा है इसलिए। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरुआत है, यहाँ देख सकते हो खेतों में हमारे सुंदर सा गांव खेत। तो सुबह सुबह मुझे बुंगुर को खाना देने के लिए आना पड़ता है और जस्ट अभी उठा हूँ मैं। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, तो वो बात मैं घर जाके बताऊँगा। यहाँ पर अब जाऊँगा दाना दे के, घर जाके आप लोगों को बताऊँगा अच्छी तरह से। सो फाइनली गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा था, तो 5-6 दिन में एलना का बर्थडे आ रहा है। तो एलना का बर्थडे में एलना को घुमाने ले जा रहा हूँ जैसी जगह, और वो जगह को मुझे आप लोगों को दिखाना भी बहुत ही मज़ा आएगा, तो आप लोगों को देखना भी मज़ा आएगा। तो यहाँ से हमारे घर से दिखेगा वो सबसे बड़ा पहाड़, मतलब हमारे घर से दिखने वाले सबसे बड़ा पहाड़ वही है। वहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर में तो हम लोग नहीं जाएंगे, तो मंदिर से नीचे ही बैठेंगे। तो उस जगह से पूरा वो पहाड़ से इधर का व्यू, ये तराई प्रदेश का व्यू बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो गाइस मैं आप लोगों को वहीं जाके दिखाऊंगा। सेलिब्रेट करना नहीं होगा इसलिए हम लोग वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। सो गाइस कुछ की प्लान हो रहा है, अभी दो टेंट कैंपिंग टेंट मंगाया हम लोगों ने, तो पता नहीं कब आएगा। तो वो जल्दी आ रहा है तो हम लोग जा रहे हैं, वो नहीं आएगा तो बस क्या करें, लेकिन जाना तो है। प्रे करें गाइस हमारा टेंट जल्दी आ जाए। और गाइस वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, 6 जन जाएंगे आई थिंक। और मुश्किल होगा मुझे ब्लॉग करना है, क्योंकि ज़्यादा लोग के सामने में ब्लॉग करना मुझे बहुत शर्म लगता है, इसलिए तो कोशिश करता हूँ बहुत ही अच्छा बनाऊँगा। और गाइस कोई नहीं, आदत डाल लूँगा थोड़ी थोड़ी करके। ओ हमारा टेंट जल्दी आ जाए, टेंट आया तो हम फिक्स जाएंगे, नहीं आया तो हम लोग क्या चलेंगे। ओप गाइज आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी हमारे फैमिली भी बहुत ही अच्छे हैं। तो गाइज अब आ रहा है दीपावली, तो अभी से आप लोगों को दीपावली का बहुत ही बहुत ही बहुत ही शुभकामना है। सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। एक हफ्ते मजा से मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ, तो फिर दूसरा एक हफ्ते मुझे ब्लॉग डालना बहुत ही मुश्किल होगा, पता नहीं क्यों। तो मेरा चाय यहाँ पर, थैंक यू सो मच। पता नहीं गाइज एक हफ्ते में मज़ा से डाल रहा हूँ ब्लॉग, तो दूसरे हफ्ते क्या होगा, मुझे शायद मुझे भूत लगेगा, इसलिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ गाइज। तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, पहले जैसा लाइक भी नहीं करते हो, व्यूज ही नहीं आता, इसलिए बहुत ही दुख होता है मुझे दुख। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मेहनत कर रहा हूँ मैं। और गाइस 2-3 लोग ऐसे भी होते हैं कमेंट में आके बोलते हैं, तुम यूट्यूब छोड़ दो, ये सब फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, तुम्हारे कुछ नहीं होगा, तुम यूट्यूब छोड़ दो, ऐसे बोल रहे हो कोई लोग। तो उसको दिखाना है मुझे, यूट्यूब से ही कुछ करना है मुझे, इसलिए गाइस प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। और पहले जैसे लाइक कमेंट भी नहीं आता है, पता नहीं क्यों। और गाइज आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आता है कि नहीं वो भी नहीं पता है हमको तो। और गाइज पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, और नहीं आता है तो क्या करें हम, जो आपकी इच्छा। और नेपाली, यहाँ का नेपाली लोग इतना डांटते हैं हमको कमेंट में, तुम नेपाली को क्यों हिंदी बोल रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो गाइज मैं हिंदी क्यों बोल रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग नेपाली नहीं समझते हो, नेपाली लोग को हिंदी समझते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए, वो भी कितने बार कह चुका हूँ मैं, वो भी समझते नहीं। आप इंडिया से हो प्लीज़ गाइस हमको सपोर्ट कर दीजिए, हम लोग और अच्छे से वीडियो बनाने का बहुत कोशिश करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और गाइस हम लोग अब जा रहे हैं थोड़ी देर में खाना खा के जंगल, तो मिलते हैं जंगल जाके। पुषाजू और एक दीदी के साथ हम लोग जा रहे हैं मशरूम टिपने और घास काटने के लिए, तो थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस वहीं जाके, लेट्स गो। A few minutes later.
तो गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, आप लोग यहाँ देख सकते हो ये बहुत ही सुंदर सा नदी है यहाँ पर, और बाइक और स्कूटी हम लोग ने वहाँ पर रख दिया है। ये झरने जैसा देख सकते हो आप लोग, और पूछा जो दीदी ना ये रास्ते से जा चुके हैं आगे, और मैं छूट गया पीछे वीडियो बनाने के लिए, मैं भी जा रहा हूँ ना देख सकते हो आगे, और मैं यहाँ पर हेलमेट ही पहन के जा रहा हूँ जंगल के अंदर। और यहाँ देख सकते हो हमारा हथियार बैग वगैरह है, क्या ढूंढ लिया है एलिना ने। सो गाइस हम लोग जंगल के अंदर जा चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो अब खासकर हम लोग घास काटने प्लस मशरूम ढूंढने के लिए आए थे, तो देखते हैं मशरूम है कि नहीं। मैं तो फुल सेफ्टी के साथ आया हूँ, लंबा लंबा कपड़ा और नीचे भी और हेलमेट के साथ, देखते हैं मशरूम मिलता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पर मेरा बीवी ने क्या ढूंढना है तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा साग, इसको यहाँ पर जिब्रे साग बोलते हैं, जंगल में होता है, यहाँ देख सकते हैं छोटा वाला ये भी बहुत छोटा है, इसको हमने टिपेंगे। सो गाइस मैं बहुत ही बोर हो गया, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी 20-30 मिनट तो हो चुका है यहाँ पर जंगल में आए हुए, तो मशरूम तो नहीं मिला, यही साग थोड़ा बहुत मिल गए। तो पूछा जो दीदी वहाँ पर घास काटने के लिए गए उधर, घना जंगल देख सकते हो आप लोग, बहुत ही बोर हो चुका हूँ मैं। सो गाइस मशरूम चाहिए भेजी है ना, 2 आवर्स जति भयो हामी जङ्गल छिरेको, मसरुम चाहिँ भेटिएन र थोरै साग भेटिएछ, अब त्यसैले काम चलाउनु पर्ने हुन्छ, हामीलाई घर लगेर मासुसँग मिसाएर टक्क लगाएर खाइदिनु पर्ने हुन्छ होइन। अब यहाँ छौँ हामी जङ्गलमा, यसलाई यो ठाउँलाई भन्छ कोठी जङ्गल चाहिँ पिकनिक स्पोट पनि छ यहाँ पर, यहाँ छ यहाँ एउटा छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कोहीलाई थाहा छैन होइन यो ठाउँ। त्यहाँ छ हाम्रो स्कुटी 2 अनि एउटा मेरो बाइक, पिकनिक स्पोट हो यो, तर त्यस्तो पनि हुन्छ पिकनिक स्पोट फत लास्ट फोर हो यहाँ, जे पाइ त्यो यतादेखि उता जिता सिसा हालेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है फोर, त्यहाँ त्यस्तै फोर छ, त्यो जङ्गलको बिचमा पर्छ, जङ्गलको बिचमा कसले पिकनिक स्पोट गराइदियो त्यो मलाई पनि थाहा भएन होइन। अब एलिना र पुसा चाहिँ यतातिर जानुभएको छ, त्यो साइडतिर घाँस काट्नको लागि, हामी थोरै भयो नि घाँस लिएर जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर उतातिर जानुभएको छ। घाँस चाहिँ लगाइसकेपछि अनि हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ घाँसलाई लगाइसकेपछि हामी घरतिर जान्छौँ, मम्मीले चाहिँ बहुत खुसी हुनुभयो होला छोराहरूले, छोरा बुहारी गएर च्यु भेटायो भनेर, च्यु स्यु त्यस्तै हो, घर गएर खाना खाने बस्ने हो। सो गाइस एकछिनमा भेटौँला। यो ठाउँ चाहिँ कपिल वस्तु र रूपन्देहीको बिचमा पर्छ यो ठाउँ चाहिँ, यो ठाउँ अहिले चाहिँ कपिल वस्तुमा छु म, यता चाहिँ रूपन्देही हो, यिनीहरू घाँस काटेर आइसक्नु भएछ यहाँ त, एलिना र पुसा चाहिँ बहुत धेरै घाँस लगाउनु पर्छ, घाँस त बवाल धेरै छ है। सो गाइस हाम्रो घर पर पहुँच चुके अभी, तो ये घाँस और हम लोग ने साग लेकर आए, तो ज़्यादा तो नहीं, मशरूम तो मिला ही नहीं, अब तो बहुत भूख लगी, अब खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलेंगे। यो गाइस सो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है अभी, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं मुझको चिढ़ा रही है ये। सो गाइस आज का ब्लॉग यही तक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना मत भूलना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, टाटा बाय।